आज की तो सुबह की जबरदस्त शुरुआत हुई है। ये हमारे पास 5 क्रैश कार्ड्स आ गई हैं, ये हॉस्पिटल के लिए हैं। ज्योति को भी पता भी नहीं है, तो अभी मैं ये वहां लेके जाऊंगा, फिर देखते हैं ज्योति का रिएक्शन। पर उससे पहले मुझे एक खतरनाक चीज आज फार्म पे बनानी है, बिंद्रेश के साथ मैं भी बनाऊंगा। आज मैं पीछे वाले काओ शेड में इन लोगों को ना कुछ खिलाने आया हूँ, ना प्यार करने आया हूँ, मैं इनसे कुछ तो लेने आया हूँ। हमने इनका ताजा गोबर इकट्ठा कर लिया है क्योंकि हम उससे करने लगे हैं 3D प्रिंटिंग। थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, हम बना रहे हैं गोबर के गमले। ताज़ा गोबर इसलिए चाहिए था क्योंकि ताज़े गोबर में भी ना कोई कीड़े नहीं होते, तो जब हम इस प्रेस में इसको दबाएंगे तो कोई भी कीड़ा जो है मरेगा नहीं। अब जाहिर सी बात है गोबर में बैक्टीरिया तो होगा, जो दिखेगा तो नहीं पर है, पर बैक्टीरिया की दुहाई वही लोग देते हैं जिन्हें नॉनवेज खाने के बहाने चाहिए। दर्द तो बैक्टीरिया को भी होता है, दर्द तो धरती माँ को भी होता है, तभी तो लावा निकलता है। अब हमने कर दिया कंप्रेस। बाय द वे अगर आपके ऐसी प्रेस है ना घर पे, तो हमने इसमें एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करी है। हमने इसका पैंदी जो है थोड़ी काट दी है, तो इससे जो गोबर का गीलापन होता है ना, जो पानी है वो आराम से निकल जाता है, हमें सफाई भी करने में आसानी होती है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये गोबर का गमला निकलते हुए, मेरे से रुका नहीं जा रहा। हर बार ही अच्छा निकला है। तो बनाता ही जबरदस्त है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन्हें सुखा लेंगे। अब जब ये सूख जाएंगे ना, तो उसके बाद हमने जैसे गोबर की खाद बना रखी है, देखो ये बिल्कुल मिट्टी बन गई है, काला सोना है एकदम ये, तो ये भर देंगे। इसमें हम लगा देंगे मोरिंगा का पौधा, नॉट मोरिंगा जो हमारी ये गाय खड़ी है पैने सींग वाली, पर मोरिंगा मैं आपको दिखाता हूँ। मोरिंगा वो होता है जो ड्रम स्टिक होती है। ये हमारा ग्रीन हाउस है, वैसे तो हमने इसमें ओरेगानो लगा रखा है, इसको हम सुखा के बेचते हैं। कोई भी चीज जब आप सुखा के बेचते हो तो एक तो क्योंकि प्रिजर्व हो जाती है तो आपको बेचने को ज्यादा टाइम मिल जाता है, दूसरा शिपिंग कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेट तो पानी का होता है। तो ये है मोरिंगा का पौधा, ये एक्चुअली पेड़ होता है पर हम इसकी करते रहते हैं ट्रिमिंग, तभी ये झाड़ी सी बना रहता है। तो गोबर के गमले का जो फायदा है ना, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे NS की बोतलें काट काट के इसमें मिट्टी भर रखी है, इसमें बीज लगा रखे हैं। और बस तो चलो वेस्ट मटेरियल पड़ा था, पर लोग क्या है पन्नी खरीदते हैं तो पन्नी वेस्ट है। गोबर का गमला जब हम लगाते हैं तो उसमें ना तो रूट शॉक है, प्लस जब जड़ें बढ़ेंगी उनको ऑलरेडी ये खाद का केयर पैकेज मिला हुआ है। आ गए जी हम अस्पताल, और यहाँ पे तो हमने जो ज्योति को सरप्राइज देना, उससे हमें सरप्राइज मिल गया। यहाँ पे आई हुई है अंजू, अंजू जो पीपल होम प्रोडक्ट्स में थी, जिसकी शादी हो गई। अभी मुझे कही आप शादी पे आए थे, मैं कहीं जाता नहीं। नमस्ते, आप यहाँ कैसे? तो ऐसे ही नहीं, गाय बीमार हो गई इसलिए आए। कॉन्ग्रेट्स शादी के लिए। ये हमारी सारे धूप सेक रहे हैं, काउशेड में पर्दे भी लग गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पर पहले हम ज्योति को बुलाएं। ज्योति ज्योति ज्योति, ये शॉर्टकट से बुलाते हैं, कोई है ही नहीं, कहीं तो आवाज आ रही है इसकी। अब यहाँ पे खोलेंगे जीप। एक सेकेंड, ये इसकी गाय है अंजू की? वेट, ये इसने क्या पहन रखा है, गया अंदर? वाह, ये बहुत ही अच्छा बांधा है यार, ऐसे लग रहा है मैं कर रहा हूं, कर रखी है। डॉक्टर तरन, डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर तरन, साहिर, तीनों मिलके हमारी टीम, देखो क्रेडिट बिल्कुल दे देती है एकदम। खोलो जी जीप। मैं बता रही हूं मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं हुआ। अच्छा आपको बता दिया पहले किसी ने? अबे यार, कंटिन्यूसली अपडेट लेती रहती हूं ना, अमन ने बता दिया था मुझे। अबे तो मैं तो क्या शूट क्या कर रहा हूँ, हट कचरा हो गया सारा, तो मेरे को पहले बताए थे यार। जब तक ये लोग उतार रहे हैं सारे ये जो क्रैश कार्ड्स हैं, हम एक दो केसेस से मिल लेते हैं, मुझे उससे मिलवा दो यार, JCB से। JCB वो है जिसको बॉइलिंग वाटर नहीं डाल दिया था किसी ने। ओ ये हमारे लगने शुरू हो गए पर्दे, ये रोल हो जाएंगे अभी, बाकी पर्दे और आने हैं ना। एक महीने से हमारे पर्दे बने, हिमाचल में काम ना स्मूथली होता है, बहुत स्मूथली। कौन खड़ा है? इसकी शक्ल कैसी है, काली सी। यहाँ पे ऐसे खड़े हो गए ऐसे लगते हैं हम किंगडम में खड़े हैं गाय बैल के। अब तो लोग इतने ढीठ बेशरम हो गए, अब तो टैग के साथ ही छोड़ रहे हैं पूरा। कर लो भाई, क्या उखाड़ लोगे हमारा। ओ ये देखो, ये किसी ने कितनी बड़ी गुलेल यहाँ पे फेंक रखी है तुम्हारी है? ये जब मैं यहाँ पे नहीं होता ये लोग ये करते हैं गुलेल। ये डॉक्टर मंजू, आपको पता है अंदर क्या हुआ है? नहीं पता उन्हें, पता उन्हें, उन्हें सब कुछ बुरा बुरा याद रहता, अच्छा नहीं याद उन्हें। आप किसकी बात कर रहे हो? हाँ वो तो बहुत अच्छा हुआ। आपने वो गाय को जो अंदर वो बिकनी बनाई है वो अच्छी बनाई। अरे ये तो बहुत ही नहीं दिखा सकते, ग्रे करना पड़ जाएगा सारा। एक सेकेंड, ये तो पहले ही लग रहा था जैसे बेटर हो रहा था सर, लगी हुई थी।
टेस्टी। जब ये फर्स्ट डे आया ना तो बड़ा ही गंदा लग रहा था, ऐसे धज्जियां उड़ी सी हुई थी। जब मैंने इसको सेकंड टाइम देखा तो वो सब साफ हो गया था, पर ये नहीं दिख रहा था इतना जो दिख रहा था। जो उसके इन्फॉर्मर थे ना अत्तू के, तो उन्होंने आज भी मुझे कंफर्म किया कि वो झुंड वहाँ पर है। रविंदर जी भी बता रहे हैं यार अत्तू की प्रॉब्लम ये है, अत्तू हो गया हील, हमें इसको रिलीज करना है, लेकिन इसका ग्रुप अवेलेबल वहाँ पे नहीं रह रहा था। अब आप देखो सयानी तो हो गई अडॉप्ट और आर्या हमारा बच्चा नहीं था, और ये अब वापस जाएगा सड़क पे। अब आप बताओ तीनों में से कौन सा बछड़ा जो है उसकी किस्मत सबसे अच्छी है, किसकी लाइफ में अब सफरिंग का चांस नहीं है।